वंदे मातरम तृतीय श्रेणी समन्वित पुस्तकर ओडिया विषय को समस्त को पुणी थरे स्वागत। तो आज आम आलोचना करिबा जे जुगे जुगे भगवान ए धराधाम निजर अंतरंग भक्त को किपरि परीक्षा रे अवतीर्ण कराई तार उपयुक्त मार्गदर्शक हुवंती विस्तृत भाव में आज आलोचना माध्यम रे आमे ताकु हृदयंगम करिबा। तो आज प्रसंग रे भक्तर आंतरिकता और श्रद्धा को किपरि भगवान आपणई नहीं विषय रे आज अति सुंदर और सरल भाव पठन करिबा और आलोचना मध्य को प्रवेश करिबा। तो पिला मैंने समस्ते निज निज बही बाहर कर आम पढ़िबा। दिने संजनई आसुथाए एतिकी बेले से सात जन ऋषि को देखिले खूब आनंद रे से सेमान को कुंडाई धरिले। पिलाटी भितरे भगवान को पाई एपरी व्याकुलता देखी एकाग्र चित्तरे बसी तपस्या करिबा को सेमाने उपदेश देले। ध्रुव एकाग्र चित्तरे बसी भगवान को डाकि चलिले। ध्रुवंकर आंतरिक प्रार्थना देखी देवर्षि नारद तांको पाखरे पहुँचिले। भगवान को पाइबा पाई तांको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपिबा को कहिले। ध्रुव जमुना नदी कूल रे एक कदंब गछ मूल रे बसी सही मंत्र जपि चलिले। तांकर कठोर तपस्या रे प्रसन्न होई भगवान तांको सम्मुख रे उभा हेले। अति स्नेह रे ध्रुवंकु आउसी देई कूल रे बसाइले। तांकर अपरूप स्पर्श पाई ध्रुव सबु किछि भूली गले। भगवान तांकु सप्त ऋषि मेलरे जुग जुग धरी ध्रुवतारा रूप से रहिबे बोली आशीर्वाद कले। से ध्रुव को एबे मध्य उत्तर आकाश रे आमे देखिबा को पाऊ। तो पिला मैंने वर्तमान जहाँ आमे पढ़िले ताकु आलोचना करिबा पूर्वरु आमे पूर्व क्लास रे जहाँ सब पढ़िथिले ताकु टिके आलोचना करिबा बा मने पकाइबा। तो पूर्व क्लास रे आमे पढ़िथिले जे उत्तर प्रदेश रे जमुना नदी कूल रे उत्तानपाद बोली जणे राजा थिले। तांकर दुईटी राणी थिले सुरुचि ओ सुनुति। सुनीतिंक पुत्र थिले ध्रुव एवं सुरुचिंक पुत्र थिले उत्तम। तो दिने उत्तम को कूल रे बसिबार देखि राजांक कूल रे बसिबार देखि ध्रुव मध्य पितांक कूल रे बसिबाकु इच्छा कले जहाँ कि राणी सुनीति बारण कले एवं कहिले तु जदि पितांक कूल रे बसिबाकु इच्छा करुछु ताहेले तते कठोर तपस्या करिबाकु पड़िबो। तो सेठारे राजा मध्य उपस्थित थिले किंतु राजा कौनसी उत्तर देले नाही सबु सुनी जहाँफल कि ध्रुवंकर मन कष्ट हेला एवं से कांदि कांदि सेठारु चली आसिले एवं माँ सुनीति को सबु कथा कहिले। तो माँ सुनीति कहिले जे तोर सानमा ठीक कहिछंती तते सही सब पाइबाकु हेले कठोर तपस्या करिबाकु पड़िबो बोली कहिले। एवं कहिले प्रत्येक आंतरिक प्रार्थनार उत्तर निश्चय मिले। तो तु अंतररु भगवान को डाक तु निश्चय सफलता पाइबु। तापरे ध्रुवंक मन बुझिला नाही से बण को जाई कठोर तपस्या करिबाकु निष्पत्ति नेले। एवं दिने से माँक ठारु आशीर्वाद नेई घंच जंगल को चली गले। कौन पाई त
तपस्या करने पर तो से जंगल रे प्रवेश करापर सब देखि जहाक देखिले भगवान भाभी कुंडाई धरले। तापर आम पढ़वा दिने संज नई आसु थाए एति बेले से सातज ऋषि को देखिले। ध्रुव जंगल को गलापर कौन कले दिने संज नई आसु थाए संज संजर अर्थ कौन पे संध्या संज अर्थ संध्या आम पूर्व कठिन शब्दर जो सरल अर्थ लिखी से सब अच्छी संध्या ता विपरीत शब्द कौन है संजर सकाल तो सूर्यास्त पर जो संजर ही आसे सेमती दिन संजर ही आसु थाए एति बेले से सातज ऋषि को देखिले किए देखिले ध्रुव एवं खूब आनंदरे से सेमानन को कुंडाई धरले। से तो जंगल रे जहाँ को भी देखुले गछ पत्र जहाँ को भी देखुले से भगवान बोली भावुले तो से सातज ऋषि को भी मध्य से भगवान भाव कुंडाई धरले। तो पिलाटी भितर भगवान को पाई एपरी व्याकुलता देखी एकाग्रचित्तर बसी तपस्या करने को सेमाने उपदेश देले। तो खूब आनंद रे से ते बेले भगवान को कुंडाई धरे पे आनंदर अर्थ कौन आनंद अर्थ खुशी तार विपरीत कौन हम निरानंद आनंदर विपरीत निरानंद संजर संध्या। तो से ही आनंद से कौन कले से सातज ऋषि को से कुंडाई धरले। तो ध्रुव को से सातज ऋषि कौन कहले एकाग्र चित्तरे बसी ध्यान करने को कहले। तो ध्रुवंकर आंतरिक प्रार्थना देखी देवर्षि नारद तांको पाखरे पहुँचिले भगवान को पाइबा पई तांको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपिबा को कहले। तो ध्रुवंकर व्याकुलता व्याकुलतार अर्थ एक भाव जहाँ कि आम व्याकुलता एक भाव तापरे इनो अच्छे सप्त ऋषि सात जन मिसी ऋषि को मिसी सप्त ऋषि तो आम सप्त अलग करवा सप्त जोग ऋषि सप्त एकाग्र एकाग्र अर्थ एक मन चित्त चित्त अर्थ मध्य मन प्राण ये सब कठिन शब्द अर्थ आम पूर्व क्लास लिखी ला। तो ध्रुवंकर आंतरिक प्रार्थना देखी देवर्षि नारद कौन कहले जे ध्रुव को उपदेश देले जे तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय पे ये मंत्र आम पूर्व शुणी ओम नमो
भगवती वासु देवाय तो यही मंत्र तुम समस्ते जानी छो तो ओम नमो भगवते वासुदेवायर अर्थ कौन वासुदेव अर्थ किए वासुदेव अर्थ भगवान विष्णु एठारे हमें कृष्ण को मध्य बुझिबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो एठारे वासुदेवर अर्थ हमें भगवान विष्णु को बुझिबा एवं हमें कृष्ण को मध्य बुझिबा वासुदेवर अर्थ तो एठारे वासुदेवर हमें दुईटी अर्थ बुझिपरिबा जे वासुदेवर अर्थ हैला प्रथम जे समस्त वसुधार अधीश्वर होइथिबारु भगवान को हमें वासुदेव बोली कहिपरिबा किंबा देवकी एवं वसुदेव को पुत्र मध्य होइथिबारु आमे तांकु वसुदेव बोली कहि परबा हैला तो ओम नमो नमो अर्थ नमस्कार भगवते अर्थ भगवान वासुदेवाय अर्थ विष्णु बा कृष्ण को आमे बुझि परबा तो पिला माने आमे कारा कहारे पढ़ी छी जे श्री अरविंद जते बेले जेल मध्य रहिले से भगवान वासुदेव को दर्शन करथिले तो वासुदेव अर्थ के कृष्ण तो उभय आमे विष्णु एवं कृष्ण उभय को आमे वासुदेव बोली कहि परबा तो तार दुईटी अर्थ होछि प्रथम ते कोन समस्त वसुधार अधीश्वर भगवान तेणु तांको वसुदेव कहिबा एवं देवकी एवं वासुदेवंकर पुत्र मध्य होइथिबारु आमे तांको वासुदेव बोली कहि परबा तो बुझि पारले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपिबाकु ध्रुवंकु किए नारद कहिथिले तापरे ध्रुव जमुना नदी कूल एक कदम्ब गछ मूल बसी से ही मंत्र जपि चलिले तो जेतेबेले नारद कहिले जे ध्रुवंकर इच्छा शक्ति एवं तांकर आंतरिकता देखी से ही मंत्र जपिबाकु जेतेबेले नारद ध्रुवंकु कहिले तो से ही समय रे ध्रुव कोन कले जमुना नदी कूल एक कदम्ब गछ मूल बसी से ही मंत्र को जपि चलिले तो तांकर कठोर तपस्या रे प्रसन्न हुई भगवान तांक सम्मुखरे उभाले किंतु जेतेबेले ध्रुव से ही मंत्र जपुदिले तांकर से ही मंत्रटी सब आड़ को गुंजरित होतला बुझिपारल तो से समय भगवान कौन करते अनंत शयन थिले तो भगवान माने ध्रुवंकर से ही मंत्र जप को शुणी से आउ रही पारले नहीं एवं गोटे कुनी पिलार यह आस्था को देखी भगवान आसपा से बाध्य कठोर तपस्या रे प्रसन्न हुई भगवान तांक सम्मुखरे उभाले अरे पिला माने प्रसन्न रो अर्थ कौन प्रसन्न 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 अर्थ खुशी हैला तो आमे यही प्रसन्न शब्द रे गोटे वाक्य तैयारी तो आमे वाक्यटे तैयारी करिबा देखो जे ध्रुवंक तपस्या रे प्रसन्न हुई भगवान तांको सम्मुखरे उभाले
आम कौन प्रसन्न वाक्य तैयारी कर पारना हेमती आउ मध्य अच्छे प्रार्थना प्रार्थना गोटे शब्द एमती अनेक शब्द अच्छी जहाँ को आम व्यवहार करी अनेक वाक्य गठन कर प्रार्थना प्रार्थना तो आम यही पाठ भितर से शब्द गुड़िकर वाक्य तैयारी तो ध्रुव को माँ सुनिधि बुझाई कहते जे प्रत्येक आंतरिक प्रार्थनार उत्तर निश्चय मिले उत्तर निश्चय मिले यहीपर आम अनेक वाक्य तैयारी तो ध्रुव कौन बोले जमुना नदी कूल एक कदम्ब गछमूल बसी से ही मंत्र को जपि चलिए तो तांकर कठोर तपस्या भगवान प्रसन्न हो खुशी हो सम्मुखें उभाइले तापर देख अति स्नेह ध्रुव को आउसी दे कोल बसाइले अपरूप स्पर्श पाई ध्रुव सबकि भूलीगले भगवान तांकु सप्तऋषि मेल जुग जुग धरी ध्रुव तारा रूप से रही बोली आशीर्वाद कले से ही ध्रुव को आम एवं उत्तर आकाश में देखा पाऊ तो जितेबले भगवान ध्रुव सम्मुखें उभा से ही समय रे से कौन कले अति स्नेह ध्रुव को आउसी दे आउसी दे कौन कले कोल बसाइले ध्रुव छोट पाटे ना तो से तुम भाया छोट पाटे किभली भाव में कठोर तपस्या करके भगवान सानिध्य पाई हला तो पिला मैंने आमे जो भगवान को डाकू आंतरिक प्रार्थना कहले कौन बुझा जाए माने आमे मन भितर जो निष्काम प्रार्थना करू ताकू ही आंतरिक प्रार्थना बोली कह जाए जमीती कि पूर्व काल रे मुनि ऋषि माने तपस्या करूतिले एवं असुर माने मध्य तपस्या करूतिले हला तो से जो मुनि ऋषि माने माने कठिन तपस्या करूतिले तांकर तपस्या निष्काम थिला जो थे कि कौन सी कामना नथिला बासना नथिला हला केवल भगवान को दर्शन पर भगवान को तपस्या करूले किंतु से ही समय रे असुर माने मध्य तपस्या करूले किंतु असुर मानकर तपस्या रे माने किछि पाइबार इच्छा थिला तांकर से माने आशा रे भगवान को तपस्या करूले तो ताकु आमे आंतरिक प्रार्थना बोली कहि परिबा नाही तो आंतरिक प्रार्थना होची जेउ प्रार्थना निष्काम प्रार्थना होइथाय आमे मन भितर ताकु बिना किछि आशा रे भगवान को तपस्या करथौं ताकु ही आंतरिक प्रार्थना बोली कहा जाई पारिबो जेउ भली प्रार्थना की ध्रुव करूथिले हला तो सेइतिपई भगवान तांकर प्रार्थना रे खुशी होइकि तांकु दर्शन देइथिले तो भगवान सेठारे पहुँचवा पर कौन कले अति स्नेह ध्रुव को आउसी दे तांको कोल रे बसाइले एवं भगवान तांकु आशीर्वाद कले जे से कौन सप्तऋषि मेल रे ध्रुव तारा रूप से रहिबे बोली से आशीर्वाद कले सप्तऋषि कौन आम सप्तऋषि नाम प्रथम लिखिदेबा हला ताकु आम चित्र माध्यम रे मध्य खातारी करि परबा मु एठी सप्तऋषि नाम लिखि देउछि
प्रथम हेले कर्तृ सॉरी क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि एवं हेले सप्तऋषि ये के क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि तो एमाने होचंती नक्षत्र गुड़ी हो बुझिपाल तो भगवान यही चमकुवा नक्षत्र मझीरे ध्रुव तारा को रही वरदान दे तो यमान मझीरे किए था ध्रुव तारा है तो हजार हजार वर्ष से मानते ध्रुव तारा आकार रहाक निर्देश दे तो जेतेबेले ध्रुव घर चली आसी कौन पाई जंगल रे तपस्या करने तो से समय पिता किए थे उत्तानपाद मन टे दुख थी देवर्षि नारद रास्तार प्रथम ध्रुव को भेटी कथार अच्छे है तु छोट पाटे तु जंगल को जा ना बोली मना करते कि ध्रुव मान नए कौन पाई तांकर इच्छा थिला जे से भगवान को देखिबे बोली से जाइकरी के नारद जाइकरी उत्तान पादन को कहिले जे तुम पुत्र जंगल रे तपस्या करबा को जाइछि बोलिकरी तो जाहले बे पितृ हृदय टिके दुख हबो कि नै तांको पचारी गला परे तो से चिंता रे थिरे उत्तान पाद एवं नारद जतले जाइके तांको कहिले जे भविष्यत रे तुम पु दिने समस्तक भितरे ना करिवो तो उत्तान पाद ता सुनी खुशी ही गले हैला एवं तापर आसिक ध्रुव को कहले जे ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र जपी तुम्हें भगवान को पाईपर बोली तो भगवान दर्शन देलापर कौन कले ध्रुव को सप्तऋषि मेल रहा आशीर्वाद कले पाने आम अभ्यास कार्य को आसवा परपृष्ठ उलट अभ्यास कार्य को आसवा आम तो यठार देखिए देख ठीक उत्तर ठीक चिन्ह देवा है तो नंबर एक रे कर दीचे उत्तानपाद के राज्यर राजा थे तो ये अच्छे तीन टा ऑप्शन माधवपुर मधुपुर एवं मदनपुर सठिक उत्तर टी हूँ कौन मधुपुर नंबर एक रो क उत्तानपाद के राज्यर राजा थे तो उत्तर हेब मधुपुर तापरी के राणी राजा उत्तानपाद प्रिय थे किए थे बड़राणी सानराणी उभय राणी किए थे नाई सान राणी सुरुचि तो किए थे ग
ରାଣୀ ସୁନିଧିଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତାନପାଦ ଏବଂ କିଏ? ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ଦୁଇ ରାଣୀ ଥିଲେ, ରାଣୀ ସୁନିଧି ଏବଂ ସୁରୁଚି। ରାଣୀ ସୁନିଧିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ରାଣୀ ସୁରୁଚିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଉତ୍ତମ। ତ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ରାଣୀ ସୁନିଧିଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଧ୍ରୁବ। ଘ, ଧ୍ରୁବ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? କେତେ? ଚାରି, ଛଅ, ସାତ। କେତେ? ସାତ ଜଣ। ତ ପିଲାମାନେ ପାଠଟି ବୁଝିହେଲା? ଭଗବତର ଅର୍ଥ, ପାଠର ନାଁ ଥିଲା ଭଗବତ କୋଳ। ଭଗବତର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଳରେ ବସିପାରିଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା। ତ କଥାରେ ଅଛି ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ତ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସରି ଭଗବାନ ଧ୍ରୁବ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲା। ଏବଂ ମନରେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର, ଦ୍ୱେଷ ଏଇଭଳି ଖରାପ ଭାବନା ରଖିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରିକି ରାଣୀ ସୁରୁଚି, ତାଙ୍କର ସେ ରାଣୀ ସୁନିତି ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଣୀ ସୁନିତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ସଂସ୍କାର ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଖାତା ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ନମ୍ବର 2କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ହେଲା। ନମ୍ବର 2 କ, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କିଏ କଟୁ କଥା କହି ଗାଲି ଦେଲେ? କିଏ? ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁନିତି ନା ସାନ ରାଣୀ ସୁରୁଚି? ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ସାନ ରାଣୀ ସୁରୁଚି କଟୁ କଥା କହି ଗାଳି ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା କାହାକୁ କୋଳରେ ବସାଇଥିଲେ? ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ନା ଉତ୍ତମକୁ? ନା, ରାଜା ଉତ୍ତମକୁ କୋଳରେ ବସାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗ, ଧ୍ରୁବ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ? ଧ୍ରୁବ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ।
कठोर तपस्या करी भगवानंकु पाइबा पाएं जंगल को चली गले। घ ध्रुव को मंत्र जपिबा को किए कहते किए कहते देवर्षि नारद ध्रुव को देवर्षि नारद मंत्र जपिबा को कहते ध्रुव को आम एवं मध्य क्योंटी देखा पाऊ ध्रुव को आम एवं मध्य उत्तर आकाश में देखा पाऊ तो पिलामने यहाँ समन्वित खातारे जो अभ्यास कार्य नंबर एक और दुई को कला ताकू अभ्यास कार्य को तमें समन्वित खातारे करदेव बर्तमान तुमको मुझे असाइनमेंट देवी जहाँ को करी तुम्हें मत पर्सनल व्हाट्सएप नंबर रे पठेब नंबर एक सप्तऋषि नाम लेख ख ध्रुव को मंत्र
जपिबा को किए कही थिले गो ध्रुव काहीकि जंगल को चली गले घ मूल रे नी लगाई नुआ शब्द गठन करिबा मूल रे नी लगाई नुआ शब्द गढ़िबा निर्जन निघंच एवली निर्जन निघंच यहीपर आउ तीनोटी शब्द लेखिब असजणा शब्द को सजाड़ी लेख एक लघुस्थ दुई बुझेला सप्त ऋषिंकर नाम लिखिब ध्रुव को मंत्र देवा किए कही नाम लिखिब ध्रुव काहीकि जंगल को चलीगले मूल नी लगाई नुआ शब्द लिखिब जेपरी निर्जन निघंच मूल नी अच्छे कि नहींपरि आउ तीनोटी लिखिब असजड़ा शब्द को सजाड़ी करी लिखिबा लपुस्त्य गियरा या को सजाड़ी करी एठी लिखिब एवं मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को पठाइब बोली मात्र